क्या बना रहे हो? रस्सी, पुराना कपड़ा सही देखो, ये कपड़ा यहाँ पे बिल्कुल आराम से रहना है। तो देख रहे हैं खेतों में मैं आई हूँ, ये बिल्कुल अभी छोटा छोटा धनिया पत्ता है, अभी बड़ा नहीं है, अभी इसका बढ़ने में समय लगेगा। तो अभी दीदी इधर घास निकल रही है ना, इसमें बड़ा बड़ा हो जाएगा धनिया पत्ता। जानी दीदी वो दिनिया सांप चढ़ गए रहोगे कहने कैसे हेपर से चढ़ करके वहाँ लुतुर मुँह निकालत रहे। तो हम देखो परसों हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए हम आलू के खेत में आए हैं, तो अभी तो आलू तैयार नहीं है, ठीक है, लेकिन बच्चे जिद कर रहे हैं कि आलू के पराठा खाना है, हैं कल से ही प्लान बना के बैठे हैं। अभी देख रहे हैं अभी आलू कम से कम एक मंथ में तैयार होगा। अभी इसका पौधा देखिए कैसा होता है आलू का, देख रहे हैं कितना खूबसूरत। तो अभी एक मंथ हुआ है इसको लगाए हुए, एक मंथ के बाद थोड़ा छोटा छोटा आलू हो जाएगा, तीन मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनीता जी के किचन में। तो आज बनने जा रहा दोस्तों आलू के पराठे। तो आप सोच रहे होंगे कि खेतों से मैं आलू निकालूंगी, तो ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि अभी हमारा जो आलू है ना खेतों का, ये बहुत छोटा छोटा है, तो घर पर आलू है तो आलू का पराठा कैसे बनता है हमारे गांव में उस तरीके से आज आप बना के दिखाऊंगी। जब ये आलू हो जाएगा उसके बाद तो रोजी पराठा बनेगा, लेकिन अभी आलू नहीं हुआ है। तभी देखिए कितना बड़ा बड़ा इसका पौधा है, देख रहे हैं कैसा दिख रहा पौधा, तो बहुत ही सुंदर पौधा है। अभी भगवान जी की कृपा से एक मंथ के बाद खाने लायक आलू निकलने लगेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारी दीदी नज़दीक में लगा दी है धनिया का पत्ता, तो इसमें से पत्तियाँ ले लेती हैं। तो किनारे किनारे का पत्तियाँ ले रही हूँ और जो छोटा छोटा पत्तियाँ हैं ना उसको छोड़ दे रही हूँ, ये जब बड़ा हो जाएगा तो फिर ले जाऊँगी। हाँ, खुशबू मस्त ज़बरदस्त, खुशबू कितना अच्छा होता दीदी। और एक चीज़ मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को, दीदी इतना अच्छा यहाँ पे फसल लगाई है, वो देख रहे हैं क्यारी बना बना के इतना खूबसूरत लगा था जामल बतो है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है, तो ये है बरे। ये तो सुंदर आँख भइल बा, का करी दीदी अलिया के बिया काट ली का। तो देख रहे आलू में कितना अच्छा आँख आया है, उसको भी बो दीजिएगा ना, ये खाने वाला ही आलू है, तो ये आलू निकल जाएगा। पर पराठा बनाना है, बीज के लिए ही आलू आया था। तो आलू धो लिए हैं, इसमें पानी डाल देते हैं और उबाल लेते हैं।
अब चार मिसल लगवा लेते हैं क्योंकि आलू बड़ा बड़ा है। इसमें आटा पिसाएगा तब जाके आलू का पराठा बनेगा। ये है कमंडल, इसमें जल चढ़ेगा, इसमें मसाला रखाएगा, इसमें बनेगा भात, इसमें सब्जी। तो देखिए आटा पिसा गया, तो देख रहे हैं कितना सारा आटा पिसा गया, अब बनेगा आलू का पराठा। आटा पीस पीस के इतना इकट्ठा कर ली, पराठे के लिए ना आटा नरम लगाएंगे। जाके पहले वो तो देखिए हम नरम आटा गूंद के तैयार कर लिए हैं, चलते हैं पराठा बनाने। तो यहाँ पे पराठे के हिसाब से, आलू के हिसाब से, अपने तीखे के हिसाब से हरा मिर्चा ले लीजिएगा, और दो तीन गांठ लहसुन, एक छोटा चम्मच काली मिर्च, दो छोटा चम्मच जीरा, इसका पेस्ट बनाना है। चूल्हा जल गया है, कढ़ाई रखते हैं। कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल दो बड़ा चम्मच, यहीं पे डालेंगे दो चुटकी मेथी दाना, दो तीन तेज पत्ता का पत्ता, तड़का को अच्छा से भूनेंगे। यहाँ पे देखिए मसाला सिलबट्टा में पीस लिए हैं, अब इसी में डालेंगे मसाले। अभी एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे इसी में, थोड़ा सा गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर। अब सिर्फ मसाले का पानी सुखा लेना है हमें, मसाले तेल छोड़ दें तब तक भूनना है। अब ये छीलिए, देखिए मसाला कितना अच्छा भुन गया है, तल्ला में चिपकने लगा है। तो बस हम कढ़ाई को नीचे उतार कर रखते हैं और कढ़ाई को ठंडा होने देते हैं, में तवा रख देंगे गर्म होता रहेगा। गरम गरम आलू है, इसको हम मैश कर लेंगे। यार मम्मी पराठे जल्दी बनाओ यार, इधर भूख लग रही है, ना देरी करोगे तो कैसे होगा। स
साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। मौसम है कम ना पड़ जाए। देख रहा मसाला यहाँ पे देखिए नमक डाल लेते हैं स्वाद अनुसार। अब सारे मसाले इसमें मिलाना है एक बड़े बर्तन में डाल के। अब देखो पापा क्या निकाल रहे हैं। ये है इसका माल। चम्मच ले खा के भैया टेस्ट कर दो। कहोगे सारा आप खाऊंगा। आप लोग टेस्ट कीजिए इसका मिठास बहुत ज़्यादा आ गया है। ये सूखने के बाद धनिया पत्ता मोटा मोटा और इसको अच्छा से मैश कर लेंगे। गुठली नहीं होना चाहिए आलू का और थोड़ा ठंडा भी कर लेंगे। चेक कराओ पहले माल बाद में देखेंगे। ठंडा करके बनाती हूँ जल्दी खाना। ठीक है मस्त बना चोखा। धनिया और डालो ना बढ़िया लगेगा। ये हल्का तुम्हें जो बात कहती हो सच कैसे हो जाती है। देखा तूर जला सब देख आलू का पराठा एक छोक ना मिली। रुक जा तूर जली नहीं रखा है कुछ तूर लिया रहे। मैं ऐसे कर रहा हूँ निकल गया तो मैं क्या बोलूँ। बोलो जोड़ के ला। तो देखिए आटा एकदम मुलायम है। जितना बड़ा लोई लेंगे उतना हम ये आलू का मिश्रण लगाएंगे। अब इसको लॉक करके बेल लेते हैं। अरे पराठा बनाया लगे लखी हल्के हाथों से बेलें। हाँ प्लेट में दही डाल दें गुब्बारे जैसा फूल रहा है। ओ भाई साहब पराठे गर्मा गर्म लाओ मी हटाओ ये सब चीजें। देख रहे हो कितना सारा बनाई हूँ अभी। तो देख रहे हैं सबको आलू का पराठा देख के भाई भूख लग गई है। तो इधर चटनी में नमक और तेल डाल रहे हैं। काम कर रहे हैं सवेरे से तो भूख तो लगेगा ही। अब निकल रहा है प्लेट में गर्मा गर्म आलू के पराठे। चलेगा पराठा अचार भी खाना भाई। नहीं नहीं ये इतना ही बहुत है लाला जी भाई बहुत है। इधर देखिए पीछे देखो
पीछे देखो नहीं तो नहीं मिलेगा पराठा। अरे भाई देखो गुब्बारा, देख रहे हो इधर देखो, इधर पराठा कम पड़ गया, फटाफट दो। अभी तो आलू के पराठे में थोड़ी सी चीज रह रही है, वो हम डालेंगे थोड़ा सा गुड़। गुड़ डाल के दही में बड़ा मजा आता है। आप वो डाल दो अब? नहीं इधर रखो, जब ऐसे ऐसे भी खाने में बहुत मजा आता है, जैसे कैसे तोड़ेंगे और इसको दही लगा के खा लेंगे, ऐसे भी खा के बहुत मजा आता है। क्या बात है, फीलिंग तो बहुत गजब भरी है आपने। देखो कितना सॉफ्ट, ये देखो भाई कितनी बढ़िया फीलिंग है, बुरी फीलिंग ही फीलिंग है गजब। लड्डे पीसी है ना मैं चटनी, इसीलिए इतनी बढ़िया दिख रही है। अभी तो चटनी पीसने वाली आई नहीं। दही के साथ तो भाई पूछो मत, दही साथ पहले आप खाइए फिर मैं खाता हूँ। ठीक बोल रहे बा, एकदम बढ़िया मस्त भाई, सबको बहुत पसंद आया। जल्दी बुलाओ भाई चटनी पीसने वाली को, प्लेट लग गया है। कल प्याज का पराठा बनाया। तो दोस्तों सभी को तो पराठे बहुत पसंद आए, आलू का ये आलू का पहला पराठा है जो कि बीज से तैयार की हुई, जैसे खेतों में आलू आया था लगाने के लिए तो उसमें से बचा हुआ था तो वो बीज बन गया था, उसी से तैयार की हूँ। तो ये आलू का पराठा कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नए हैं तो अपना कीमती सुझाव, पुराने हैं तो भी कीमती सुझाव देना ना भूलिएगा। हमारा तेल लगा ही नहीं हूँ पराठा में, तेल नहीं घी लगा रही हूँ। तो दोस्तों हमारा फेसबुक पे भी पेज है अनीता जी की किचन, अनीता जी की दुनिया रियल, आप लोग फॉलो कर सकते हैं और हमसे रोज बात कर सकते हैं फेस टू फेस, ठीक है? तो प्लीज कर लीजिए ना, आपका कहा जाएगा, गरीब का भला हो जाएगा। काजी ऐसे आप देखिए, आप ऐसे भी बना देते हैं पराठा, किसी दिन आपको थोपुआ पराठा दिखाएंगे, मजा आता ना? खूब मजा आता है। तो जल्दी जल्दी गर्मा गर्म पराठा मैं देते जा रही हूँ, इधर सब खाते जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम एक नई और आसान ऐसी ही रेसिपी के साथ, जब तक इंजॉय किए होंगे आप लोग इस वीडियो को, लाइक द बटन प्रेस कीजिएगा एक ही बार दो बार नहीं, नहीं तो हट हो जाएगा हट।